हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स प्रीलिम्स क्विज। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारी नई सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें हम प्रीलिम्स रिलेटेड स्ट्रिक्टली यूपीएससी पैटर्न, ठीक है, कोई और पैटर्न इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। बैंकिंग, एसएससी, वैसएससी कुछ इसमें नहीं होगा। आपका स्ट्रिक्टली यूपीएससी पैटर्न के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम 4 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारा जो टॉपिक रहा था वो था हमारा डायरेक्टिव सॉरी फंडामेंटल राइट्स और करंट अफेयर्स के हमने क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। कुछ 40 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम एंशिएंट इंडिया के ऊपर जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने से पहले मैं सिर्फ एक क्वेश्चंस की फाइल जिसमें सोल्यूशन नहीं होता है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। उन ग्रुप्स में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की फालतू की बात से आपका टाइम वेस्ट होगा या कुछ फालतू के मैसेजेस मिलेंगे। अगर एक भी उसमें फालतू का मैसेज आता है तो साथ ही उस बंदे को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली एजुकेशन बेस्ड वो आपका ग्रुप है, आपको कोई चिंता करने की उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एंशियंट इंडिया? स्टेटमेंट वन, एंशियंट नेम भारता वॉज मैंशनड इन द ऋग्वेदा। स्टेटमेंट टू, एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगधा। तो अगर आप आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ी हैं तो आपको पता चलेगा कि एंशियंट नेम जो भारत का है वो ऋग्वेदा से ही लिया गया है। इंडिया जो नाम है या जो हम मॉडर्न नेम इंडिया यूज़ करते हैं वो हिंडोज से आया, जो इरानियंस यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन भारत का जो नाम था वो नॉर्थ इंडिया के लोग यूज़ करते थे, और इसका जो मैंशन है आपको ऋग्वेदा में भी मिलता है। तो स्टेटमेंट वन जो है आपकी ठीक है, एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगधा, ठीक है। तो साउथ ऑफ गंगा में ही आपका जो है वो मगध एम्पायर है आ जाता है। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बोथ। नंबर टू, अरेंज द फॉलोइंग पेलियोलिथिक साइट्स नॉर्थ टू साउथ। ए वन कुरनॉल केव्स, टू हुम्स्की, थ्री भिम्बेतका। तो इसके लिए हम पहले मैप देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैप में ध्यान से देखें तो मैप में आपका भिम्बेतका जो है वो ये रहा, ठीक है। भिम्बेतका आपका सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की तरफ है, हुम्स्की आपका कर्नाटका में पड़ता है, और कुरनॉल केव्स आपका जो है तमिलनाडु में आता है। तो इसका परफेक्ट ऑर्डर जो नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए वो सबसे पहले आना चाहिए भिम्बेतका, फिर आना चाहिए हुम्स्की, और फिर आना चाहिए आपका कर्नल केव्स, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो भिम्बेतका, हुम्स्की और कर्नल केव्स अपना जो ऑप्शन बनता है वो बनता है 3-2-1। 3-2-1 अपने पास है सी में, ठीक है। तो अपना ये आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर निकालिएगा, और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। और एंड ऑफ द वीडियो, अगर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन हैं तो अपना आप स्कोर निकालिएगा, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर्ड है, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और क्या आप स्कोर कर पा रहे हो, और आपको किस जगह पर कितनी इंप्रूवमेंट है जो वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंशियंट टाउन ऑफ मेहरगढ़, ठीक है। तो फर्स्ट, इट वॉज लोकेटेड नियर बोलान पास। टू, डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट। थ्री, स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर हाउसेज वर बिल्ट। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है, इट वॉज लोकेटेड नियर बोलान पास, तो फिर से हम मैप देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेहरगढ़ जो है आपका वेस्टर्न साइड पे आपको दिखेगा, तो ये यहाँ पर बोलान पास है आपका। बोलान पास जो आपको ईरान और इराक से कनेक्ट करता था, ठीक है, अब तो पाकिस्तान में है ये। तो पहले जब इंडिया एक पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं होता था, तब ये मेहरगढ़ काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पास होता था। हमारा जो एंशियंट ट्रेड होता था वो काफ़ी बोलान पास के थ्रू होता था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी जो है वो ठीक है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है आपकी वो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। जो दूसरा स्टेटमेंट है, डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट, ये भी बिल्कुल ठीक है। मेहरगढ़ में जो केव्स को एक्सकवेट किया गया और जो पता चला कि जो लोग मर जाते थे उनको गोट के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। गोट के साथ दफनाने का ये रीज़न होता था ताकि अगले जन्म में, वो बिलीव करते थे कि आदमी मरकर किसी और दुनिया में जाता है, तो जिस दुनिया में भी वो जा रहा है उसे खाने के लिए तो सामान चाहिए ना, तो गोट इसीलिए साथ में दबाया जाता था। वैसे ही एक जगह पे आपको बरियल्स में डॉग्स मिलते हैं साथ में, वो आपकी जो जगह है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, बुरजाऊँ कश्मीर में, वहाँ पर कुत्ते को आदमी के साथ जो है बरी किया जाता था, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है ये भी आपका फैक्चुअल है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जो आप दे पाएंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज वर बिल्ट, हाँ जी ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। विच हरप्पन साइट हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग अ अनवॉल्ड सिटेडल? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी हरप्पा, डी मोहनजोदड़ो।
तो ये एक ऐसी साइट है पूरी, जितनी भी हमने हरप्पन साइट्स अभी तक देखी हैं, हर हरप्पन साइट में आपको मिलेगा कि जो सिटेडल होता था वो वॉल्ड होता था, ठीक है। एक होता था आपका लोअर प्लेटफॉर्म और एक होता था सिटेडल। सिटेडल जो होता था आपका वो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म होता था, वहाँ माना जाता था कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे वो रहते थे। तो बाकी की जितनी भी साइट्स हैं, हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, इन सब साइट्स में जो ये सिटेडल होता था ये वॉल्ड होता था। सिर्फ आपकी एक लोथल एक ऐसी साइट है जो अनवॉल्ड होती थी, अनवॉल्ड सिटेडल होता था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली टाउन्स हैड अ स्टोर हाउस, ठीक है। 1 लोथल, 2 कालीबंगन, 3 हरप्पा। तो ये भी आपका एक फैक्चुअल जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो है आपका, वहाँ पर आपका स्टोर हाउस था, ठीक है। हरप्पा में भी आपका स्टोर हाउस है। एक और थर्ड प्लेस है जहाँ पर हम इंडस वैली टाउन्स में हमें स्टोर हाउस मिला है, वो है आपका मोहनजोदारो। कालीबंगन में आपका कोई स्टोर हाउस नहीं मिला है, तो आपका इसमें आंसर हो जाता है 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि 2 जो है वो आपका गलत है। द वेस्टर्न मोस्ट, 6th क्वेश्चन, द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज ए सुर्गस्तदा, बी सुतकागेंडोर, सी मोहनजोदारो, डी अलमगिरी, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में एक कैच है। इसमें बोला गया है वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन है जो वो है आपकी सुतका गिंदौर। सुतका गिंदौर जो है आपकी साइट पाकिस्तान में है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लेके आया जा सकता था, कुछ लोगों ने क्या पता इसका आंसर जो किया हो वो सुर्खस्तदा ए किया हो, लेकिन इसका आंसर रहेगा आपका सुतका गिंदौर, ठीक है। अब इस अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज कर दिया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया, अगर वो इन इंडिया लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता सुर्खस्तदा, क्योंकि सुर्खस्तदा जो आपकी साइट है वो इंडिया में है और सुतका गिंदौर जो आपकी साइट है वो पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो इसमें उस केस में आपका आंसर जो हो जाता वो हो जाता सुर्खस्तदा। फिलहाल जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सुतका गिंदौर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन समझिए पहले तो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें कहाँ किन चीज़ों से प्रूफ मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई अथॉरिटी थी। जैसे आगे के टाइम में आपके किंग्स वगैरह बने ना, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी कोई अथॉरिटी थी। तो स्टेटमेंट 1, यूनिफॉर्मिटी इन सील्स एंड वेट्स। स्टेटमेंट 2, स्ट्रेटेजिकल सेटिंग ऑफ सेटलमेंट्स। स्टेटमेंट 3, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर फॉर मेकिंग फॉर ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट को एक एक करके देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन सील एंड वेट्स, ठीक है। अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे सेम तरह की सील्स, ठीक है, सेम तरह के वेट्स वो हैं हमें मिले हैं, तो यूनिफॉर्मिटी थी सील्स और वेट्स में। तो कोई तो ऐसी अथॉरिटी होगी जो ये सब रेगुलेट कर रहा था जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्मिटी आ रही थी। स्ट्रेटेजिकल सेटिंग ऑफ सेटलमेंट्स, अगर आप सेटलमेंट्स को ध्यान से देखें, मोहनजोदारो, हरप्पा, तो ये सेटलमेंट्स सारी जो है ट्रेड रूट्स के ऊपर थी, जो हमारा उस टाइम पे ट्रेड होता था वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या अदर साइट्स के साथ। तो वो सारी जो टाउन्स थे लोकेटेड वो ट्रेड रूट्स के ऊपर लोकेटेड थे, प्लस रिवर एरिया के ऊपर जो रिवर बैंक्स थे उनके ऊपर लोकेटेड थे। तो कोई तो होगा जो ये सारी प्लानिंग करता था कि हाँ ट्रेड रूट के ऊपर लोकेट करना है, रिवर्स के ऊपर लोकेट करना है। तीसरी चीज़, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमें मिली है कि बड़ी बड़ी हमें बिल्डिंग्स भी मिली, हमें ग्रेट बैथ मिला है। अब ग्रेट बैथ किसी एक बंदे का तो था नहीं, इट वॉज अ पब्लिक प्लेस, इट वॉज अ पब्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उस पब्लिक स्ट्रक्चर को किसी ने कंस्ट्रक्ट किया होगा, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेबर लगी होगी, लेबर को इकट्ठा तो किसी ने किया होगा ना, तो कोई तो अथॉरिटी होगी जिसने लेबर को इकट्ठा किया होगा, ठीक है। हम अगर डिफरेंट डिफरेंट साइट्स देखते हैं, मोहनजोदारो और हरप्पा, हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स देखते हैं, वहां पर जो ब्रिक्स हमें मिली हैं वो ब्रिक्स यूनिफॉर्म है, तो कोई तो ऐसा होगा जिसने वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की। तो तीनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे ठीक हो जाएंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 8th क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट ऋग्वेदा। नंबर 1, ओनली मैन कंपोज्ड हिम्स। नंबर 2, ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड हर्ड एंड रेड। नंबर 3, अग्नि, इंद्र एंड सोमा आर द इम्पॉर्टेंट गॉड्स, ठीक है। तो जो पहली स्टेटमेंट आपकी ओनली मैन कंपोज्ड हिम्स, ये आपकी गलत है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे वुमेन का भी रिकॉर्ड है जिन्होंने ये हिम्स जो हैं रिकॉर्ड किए थे। फॉर एग्जाम्पल गार्गी, गार्गी वॉज अ वुमेन जिन्होंने काफ़ी हिम्स रिकॉर्ड किए, ठीक है। दूसरे, ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड हर्ड एंड रेड, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि ऋग्वेदा वॉज ओनली रिसाइटेड एंड हर्ड, इट वॉज नॉट रेड, ठीक है, रीड नहीं किया जाता था उसे, उसे सिर्फ सुनाया और सुना जाता था। तीसरा, अग्नि, इंद्र एंड सोमा आर द इम्पॉर्टेंट गॉड्स,
ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो ए बी सी डी में से वो हो जाता है सी, क्योंकि आपका सिर्फ थ्री ओनली करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ए तिब्बतो बर्मन, बी द्रविडियन, सी ऑस्ट्रो एशियटिक, डी इंडो आर्यन। तो बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ए तिब्बतो बर्मन। 10th क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट अर्ली वैदिक सोसाइटीज। अ रेगुलर आर्मी वॉज मेंटेन, वन, टू, राजाज कलेक्टेड टैक्सेस, थ्री, सन ऑफ राजा ऑटोमेटिकली सक्सेडेड फादर। तो पहली जो स्टेटमेंट है, अ रेगुलर आर्मी वॉज मेंटेन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्ली वैदिक सोसाइटीज़ में रेगुलर आर्मी मेंटेन नहीं की जाती थी। नंबर टू, राजाज कलेक्टेड टैक्सेस, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि कोई टैक्स कलेक्शन जो है वो नहीं होता था, जो भी होता था वॉलेंट्री होता था, और वो भी पूरे राज्य को मेंटेन करने के लिए, जो अपने आप से लोग वॉलेंट्री मेंटेनेंस देते थे। थ्री, सन ऑफ राजा ऑटोमेटिकली सक्सेडेड फादर, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ऐसा भी हेरिडिटरी जो था वो सक्सेशन नहीं होता था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव।